या इससे पहले हम ये टास्क कई बार अगर रिपीट हुआ है तो उसका एवरेज टाइम लेकर हमने कहा कि जी ये हमारा टाइम बनता है तो ये जो है इस बेसिस के ऊपर डेवलप करना इट इज़ नॉट एडवाइजेबल बेसिकली होता ये है कि जब आप अगर लास्ट टाइम के बेसिस के ऊपर या रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि टाइम कार्ड्स अवेलेबल हैं प्रोडक्शन रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसके बेसिस के ऊपर आप ये टाइम लेबर स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो उसका जो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जो ये टाइम ज़्यादा लगा है ये किस वजह से था क्योंकि ये आपके टाइम कार्ड्स के ऊपर नहीं दिया होता कि जी मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचा था टूल्स uh, टाइम पर नहीं पहुंचे थे तो इसके लिए इंतजार करना पड़ा तो फिर क्या होगा अगर उस बेसिस के ऊपर आपने स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया है तो वो टाइम स्टैंडर्ड uh, आएगा कि ज़्यादा टाइम ले रहा है जबकि एक्चुअली उस पर इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगता तो वो एक गलत किस्म की इंफॉर्मेशन जाएगी आमतौर पर यूज़ ये इसलिए करते हैं क्योंकि इट इज़ ईजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू डिवेलप लेबर टाइम स्टैंडर्ड टाइम डेटा जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता और इट मे बी इनएक्यूरेट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनएकसी इसके अंदर इंटेंशनली नहीं होगी बट क्योंकि हम ये चीज़ें नोट नहीं करते रिकॉर्ड में नहीं रखते तो इसलिए हम आ, हमें पता नहीं होगा कि इसकी क्या वजूहत थी वर्कर क्या बहुत तेज़ काम कर रहा था आ, उसकी वजह से उसने ये स्टैंडर्ड दिखाया आ, और वर्कर बहुत स्लो काम कर रहा था क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था तो ये वो डेटा रिकॉर्ड प्रोडक्शन रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर हमने लेकर आए होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती तो उस बेसिस पर अगर हम टाइम स्टैंडर्ड टाइम डेवलप करेंगे तो वो हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसकी वजह से हमारी प्लानिंग गलत हो जाएगी इंसेंटिव प्लान गलत हो जाएंगे तो ये सारा का सारा इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग uh, के ऊपर सीरियस पड़ सकता है तो इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड To use historical experience to develop uh, labor standard times.